पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। काला अध्याय में कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही सदन चलते हैं, काला अध्याय और पीला अध्याय से काम नहीं चलता है। और नीतीश कुमार तो यहाँ के नेता हैं, तो उनके खिलाफ लोग बोलेगा ही, आए दिन हम लोग भी बोलते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई है, वो अपने कुर्सी से हाथ धो दिए हैं। नीतीश कुमार के मिक्रिंग करने और नीतीश कुमार के अवहेलना करने का आरोप इन पर लगा था, जो कि साबित हो गया है और इनकी कुर्सी चली गई, इनकी सदस्यता समाप्त हो गई। ये बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और इन पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के द्वारा अंतिम मोहर लगा दी गई है और इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। इस पूरे मामले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवल किशोर यादव, जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इन्होंने कहा और सीधी तौर पर नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर में अलग आचरण और बच्चों के साथ अलग आचरण और सदन में अलग आचरण होना चाहिए। अच्छे आचरण के द्वारा ही सदन चलती है और सदन में यदि आप अच्छे आचरण से हैं तो आपको किसी प्रकार से दिक्कतें नहीं आएगी। इस तरह से नसीहत देते नजर आ रहे हैं नवल किशोर यादव। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नवल किशोर यादव, पहले आप इनका बयान सुने। काला अध्याय है, कैसे देते हैं? नहीं, काला अध्याय में कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही सदन चलते हैं, काला अध्याय और पीला अध्याय से काम नहीं चलता है। और नीतीश कुमार तो यहाँ के नेता हैं, तो उनके खिलाफ लोग बोलेगा ही, आए दिन हम लोग भी बोलते रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं, कोई ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो व्यक्तिगत किसी को लगे और अपमानित महसूस करे, उससे बचना चाहिए। ठीक है। सदस्यता चली गई है, क्या कहना? ये संसदीय जीवन में इसका मैसेज आता है कि लचक के साथ कार्य संचालन नियमावली के अनुसार ही सदन में आचरण करना चाहिए। और जो आचरण है वो व्यक्ति का हर जगह बदलता है, घर में कुछ होता है, बच्चों के साथ कुछ होता है, सदन में कुछ होता है, उसके पालन करना चाहिए, यही आचार संहिता है। और जो अनुशंसा आया, अनुशंसा के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। सुनील सिंह को जब ये कमेटी बैठी थी, आचार कमेटी, तो उसमें अपनी बात को मुस्तैदी से रखनी चाहिए थी और जो कार्रवाई होनी थी आज यह नहीं होता, चूँकि एक सदस्यों का जो दो सदस्यों पर था, एक सदस्यों की सदस्यता बची। एरोगेंसी से सदन नहीं चलते, संसदीय जीवन नहीं चलते। इसका मतलब होता है कि आप एरोगेंस होके सदन में नहीं रह सकते। नीतीश कुमार के खिलाफ पत्रकारों ने जब नवल किशोर यादव से कहा कि विपक्षियों का कहना है कि यह काला अध्याय है, उन्होंने कहा कि काला और पीला अध्याय नहीं होता, यह सदन आचरण सही आचरण से चलता है, आप यदि बुरे आचरण करेंगे तो कार्रवाई होगी। और इस तरह से कहते नजर आ रहे हैं नवल किशोर यादव। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।